हैप्पी दिवाली एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलर्स जे, और मैं हूं श्वेता, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल की। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है एक ज्वेलरी वीडियो, और क्या आज की वीडियो में होने वाला है खास वो मैं आपको बताती हूं। आज की सारी ही ज्वेलरीज मैंने अकॉर्डिंग टू दिवाली बाय की है। दिवाली पे गोल्डन ज्वेलरीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है, काफी रियलिस्टिक लगती है। कुछ लक्ष्मी ज्वेलरीज और कुछ पॉइंट ज्वेलरीज, इस टाइप की ज्वेलरीज मैंने ऑर्डर की है आज के हॉल के लिए। साथ ही दूंगी बहुत सारे स्टाइलिंग टिप्स, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए विदाउट फर्दर एडू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट प्रोडक्ट है ब्रांड सुखी से, और ये मैंने मंगाया है एक गोल्डन लेयर्ड नेकलेस, जो कि कुछ इस तरीके का है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ बीट्स का इल्यूजन है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेयर्ड नेकलेस है। इस ड्रेस के साथ भी ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। टाइप का नेकलेस आप किसी भी साड़ी, प्लेन सी साड़ी पे भी डाल लें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। अगेन, सूट्स के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। टॉप के साथ भी आप यहाँ पर टक करके इसे पहन सकते हैं। इवन कोट के साथ भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप की ज्वेलरीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है दिवाली के ओकेजन पे, इस तरीके की येलो ज्वेलरीज। मोस्ट ऑफ लोगों को ये येलो ज्वेलरीज नहीं पसंद आती हैं, कम पसंद आती हैं, बट आज की वीडियो में मैंने सारी ही स्टाइलिश ज्वेलरी ऑर्डर की है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली येलो ज्वेलरीज कम पसंद आती हैं, बट आज की इस वीडियो में आपको ये ज्वेलरीज जरूर पसंद आएंगी। तो ये कुछ इस तरीके का नेकलेस है, आप देख सकते हैं काफी सारे लेयर में बना हुआ है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इसे आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं अपने हॉल्स में वर्सेटाइल ज्वेलरीज ऐड करती हूँ, जिसे हम बार बार रीस्टाइल कर सके। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज्वेलरी की। नेक्स्ट मैंने मंगाई है अगेन सुखी से, क्योंकि मैंने कुछ इयररिंग्स मंगाए हैं, इस नेकलेस को ध्यान में रखते हुए मंगाए हैं। इसके साथ मुझे दो इस टाइप के इयररिंग्स रिसीव हुए हैं। फर्स्ट मैं दिखाती हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस नेकलेस के साथ वेयर करने के लिए मंगाए हैं, वो है ये इयररिंग्स। आप देख सकते हैं इस तरीके के राउंड इयररिंग्स हैं, तो काफी ज्यादा स्मार्ट लगेगा इस नेकलेस के साथ। आप देख सकते हैं काफी सिमिलर है इसका लुक, इसीलिए मैंने इसके साथ वेयर करने के लिए मंगाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है। सभी चीजों की प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सिंगल लिंक माय हॉल स्टोर के नाम से, वहां पे जाके आप क्लिक करके इन चीजों को बाय कर सकते हैं। मेरे सारे ही कलेक्शन वहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इयररिंग्स भी मुझे इसके साथ ही आई है, क्योंकि ये दोनों ही इयररिंग्स है कॉम्बो पैक में, सो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पैक है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है ये इयररिंग्स। और इससे भी मिलती जुलती मैंने एक नेकलेस मंगाई थी, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी नहीं आई तो मैंने उसे रिटर्न कर दी। सो बट उसकी क्वालिटी की क्लिप मैं इसी वीडियो में ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट इयररिंग है। इस ड्रेस के साथ भी इवन ये कितनी ज्यादा स्मार्ट लग रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और इसके बीच में यहाँ पर एक मरून कलर का पर्ल लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रीन कलर के पर्ल लगे हुए हैं, और ये कॉइन का बना हुआ है। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का इस साइज का इयररिंग है। मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया, क्वालिटी वाइज ये अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट जो मैंने मंगाई है कॉइन नेकलेस, वो कुछ इस तरीके की दिखती है, और इसके साथ आपको एक लक्ष्मी जी का पेंडेंट मिलेगा। ये पेंडेंट भी बहुत ब्यूटीफुल था और चेन भी बहुत ब्यूटीफुल था, बट मैंने इसे रिटर्न किया, बिकॉज ये दोनों ही गोल्डन के कलर डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, काफी डिफरेंट लग रहे थे, इनमें सिमिलैरिटी नहीं थी। सो मुझे ये कम पसंद आया, और अमेजोन पे बहुत ही इजी रिटर्न पॉलिसी है, आप इजिली रिटर्न कर सकते हैं, 30 डेज का विंडो होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो आप उसे इजिली रिटर्न भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मैंने मंगाई है ये 4 बैंगल्स कॉइन वाली, जो कि इसके साथ ही कॉम्बिनेशन करके मैंने मंगाई थी पहनने के लिए, बट ये भी अगेन छोटी साइज में आई। क्वालिटी वाइज ये काफी ज्यादा अच्छी है, और प्राइस भी मुझे काफी रीजनेबल मिला है, बट ये साइज छोटा था मेरी साइज के अकॉर्डिंग। कई बार डिफरेंट साइज की भी चीजें आ जाती हैं, तो आप उसे तुरंत रिटर्न कर सकते हैं। इसे एक्सचेंज पे डाला है अपने ट्रू साइज के लिए, आप इस तरीके से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज पॉलिसी भी बहुत ही इजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है बहुत ही ब्यूटीफुल कड़ा बैंगल, आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। गर्ल्स देख रही हैं तो जरूर ग्रैब कीजिए, और कुछ इस तरीके का है। इसे आप वन हैंड में कुछ इस तरीके से पहन सकते हैं, बैंगल का इल्यूजन दे रहा है, बट ये है एक ब्रेसलेट, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लुक आ रहा है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, आप इसे जरूर ग्रैब करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट ज्वेलरी की ओर।
लास्ट ज्वेलरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कुंदन की रिंग, जो कि मैंने इन सभी गोल्ड ज्वेलरी के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए मंगाई है। ये कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रूबी का स्टोन लगा हुआ है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल राइनस्टोन लगे हैं। सो कुछ इस तरीके का इसका लुक है, राउंड शेप की ये बनी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग लगी। मैंने इसमें कोशिश किया है कि हर तरीके की ज्वेलरी इसको कवर करूं, ताकि आप कोई कॉम्बिनेशन पैक बनाना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्डर कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट ज्वेलरी की। लास्ट ज्वेलरी कुछ इस तरीके की बॉक्स में आई है और ये बहुत ही बिग एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है और सिल्क साड़ीज के साथ ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये मुड़ता नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। कुछ इस तरीके की लक्ष्मी ज्वेलरी है जो कि मैंने दिवाली के ओकेजन के लिए मंगाई है। सो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी ये सिल्क और बनारसी साड़ीज के साथ। सो अगर आप भी सिल्क साड़ीज पहनना पसंद करते हैं मेरी तरह, तो आप इस ज्वेलरी को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। अगेन आप इसे सूट वगैरह पे भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से वर्क किया गया है, पूरी तरह से यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। साथ जो इयररिंग्स आई है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो है एक झुमकी और वो कुछ इस तरीके की है, ब्यूटीफुल झुमकी आप देख सकते हैं। सो सिल्क साड़ीज के साथ बहुत ही ज्यादा रॉक करने वाला है ये फेस्टिव सीजन में। अगर आपको भी ये पसंद आता है तो आप इसे जरूर बाय करें। ऑल्सो गाइस, आज जो मैंने ज्वेलरी वेयर की हुई है ये भी अगेन अमेजोन की है, इसकी फुल वीडियो जल्दी ही आने वाली है। ऑल्सो आपके लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये ज्वेलरी पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरा कलेक्शन आपको कैसा लगा, मेरी चॉइस कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां पर और भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ। ऑल्सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां पे मैं बहुत सारे स्टाइलिंग टिप्स और रील्स बनाती हूँ। वाईटी शॉर्ट्स में भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो स्टे कनेक्टेड, लव यू गाइस। मैं आपसे मिलती हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। स्टे हैप्पी, बी स्टाइलिश, बाय बाय।